नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से टाटा मोटर्स के एक गाड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मची हुई है। अगर हम बात कर ले कंपनी की डीलरशिप से लेकर कस्टमर केयर तक, हर कोई आज इसके बारे में बात कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं टाटा पंच के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टाटा पंच की फैमिली जो है वो 40,000 क्रॉस कर चुकी है और इस मंथ हम लोग 50,000 क्रॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पर आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे, वो ये है कि काफ़ी सारे यूज़र जिन्होंने गाड़ी परचेस कर रखी है, उनका कंप्लेन आता है स्टार्टिंग डेज में कि उनकी गाड़ी जो है वो माइलेज निकाल के नहीं दे रही है। दोस्तों, कुछ बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। टाटा पंच अगर आप चलाते हो तो इतना आप कंफर्म रहो कि इसकी जो माइलेज है वो सिटी में आपको 13 से 15 के आसपास ही मिलने वाली है, और अगर आप हाईवे पर लेके जाते हो तो 17 से 20 के आसपास की इसकी माइलेज आपको दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, MID पे कभी कभी धोखा भी हो सकता है, इसलिए आप बॉटम टू बॉटम एक बार चेक कर लिया करें कि आपकी माइलेज कितनी है। जो नए यूज़र हैं, जो फर्स्ट टाइम कार बायर हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों आता है ऐसा, क्योंकि वो अपने गाड़ी को रीसेट नहीं करते हैं। जी हाँ, जब भी आप गाड़ी परचेस करके आओ तभी आप रीसेट करके उसको चलाओ, उसके बाद उसकी जो राइड है वो इतनी स्मूथ रखो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, जिससे आप ये समझ सको कि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो MID पे कितनी दिखा रही है, ताकि आप अपने फर्स्ट सर्विस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी में माइलेज बहुत कम दिखा रही है, जैसे हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मित्र हैं जिनको रीसेट करने के बाद भी 9 से 10 के ऊपर माइलेज नहीं दिख रही है MID में, उनके लिए साफ साफ यही नसीहत है कि आप वेट करें अपने फर्स्ट सर्विस के लिए और वहाँ पे जाके अपने इस कंसर्न को बताएं, सो डैट कि वो आपके फ्यूलिंग के एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने के लिए यही है कि हमें स्टार्टिंग से मॉनिटर करना होगा कि हमारी गाड़ी की जो माइलेज है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एवरेज जो मैंने देखा है सबका 15 से 17 के आसपास, मैंने लगभग काफ़ी सारे अपने सब्सक्राइबर मित्र के देखे हैं कि उनकी माइलेज निकल के गाड़ी में आती है। एक और फैक्टर आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है कि आप हार्श ड्राइविंग अभी स्टार्टिंग के दिनों में कम से कम ना करें। अगर आपके पास मैनुअल है तो मैनुअल में क्या होता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गाड़ी हमारी भाग के चले, लेकिन दोस्तों आपको बस यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन कंट्रोल करके चलिए, आगे देख के आपको अच्छी माइलेज निकल के टाटा पंच में आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।